हम तो मार मारे साइड में थे, फिर बाद में तो ले नागौर के खींवसर विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी आरएलपी ने घोषित कर दिया। हनुमान बेनीवाल खींवसर नागौर से सांसद है, उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल उम्मीदवार बनाए। हमारे साथ हैं नारायण बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, आप चुनाव में क्या कहेंगे, कड़ी प्रतिक्रिया क्या है? मुझे जो टिकट दिया है, अभी जैसे मैं ही पार्टी के जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, सब लोगों ने 36 कौम के लोगों ने मिलके और एकल यहाँ सांसद महोदय को सब कुछ जानकारी दी थी। उन्होंने रायशुमारी की, टिकट किसको देना इसके बारे में सब लोगों से विस्तार से चर्चा की और उसके बाद उन्होंने ये फाइनल किया कि टिकट का जो है मुझे देना है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो टिकट है वो खींवसर क्षेत्र की जो जनता है, आम जन जो खींवसर का, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आपके टीवी के माध्यम से। और हनुमान जी बेनीवाल जैसा आदेश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में दोनों दलों को मिलकर और कांग्रेस मुक्त जो राजस्थान का जो सपना हनुमान जी ने देखा है उसको पूरा करने का मकसद प्रयास करेंगे। पिछले देखें तो 15 सालों से कांग्रेस नजर नहीं आ रही, एक बार फिर आपको मैदान में उतारा है, वो कहाँ देखते हैं आप खींवसर? देखिए, खींवसर में हनुमान जी बेनीवाल ने आम व्यक्ति को लड़ना सिखाया, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। आज आप देख रहे हो, आज अपने नहीं पूरा देश देख रहा है कि खींवसर का मतदाता कितना जागरूक हो गया है, खींवसर का नाम जो है पूरे देश में बच्चा बच्चा जानता है। इसके लिए मैं तय दिल से हमारे जो आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आम व्यक्ति को उसके अधिकारों की लड़ाई के लिए जागृत किया। और ये उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये कांग्रेस की सरकार वर्सेज जो बीजेपी, जो सरकार वर्सेज जो खींवसर की आम जनता है, उसके बीच का ये चुनाव है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार खींवसर उपचुनाव में? मुद्दे तो देखिए, कांग्रेस सरकार जब सत्ता में की जब भागीदारी उनको बनानी थी, जब आम चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, कृषि ऋणों की माफ़ी की बातें की, और भी ऐसे बहुत बेरोजगारी भत्ते, ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनको लेके वो चुनाव के मैदान में आई और लोगों ने उन पर विश्वास भी किया और उनको सत्ता की चाबी सौंपी। लेकिन उन सब जो घोषणा पत्र है उनको खरी नहीं उतरी, मुख्य मुद्दे तो ये रहे। सर, से आप लंबे समय से जमीनी हालात से जुड़े हुए, किसानों की समस्याओं को लेकर क्रय विक्रय समिति की जो मीटिंग होती है, चाहे कोऑपरेटिव की मीटिंग हो, बेहतरीन तरीके से मुद्दे उठाते हैं। एक बार फिर विधानसभा की दैली पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा में पहुँचेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार किसानों के हित में? देखिए, क्यों सर के मुख्य मुद्दे जो है, क्योंकि किसान अपना देश जो कृषि प्रधान देश है, तो सबसे बड़ी किसानों की जो समस्या है, चाहे वो डार्क जोन की समस्या हो, कम बिजली की समस्या हो, ये ऐसे तमाम जो हालात जो हैं जो कांग्रेस की सरकारों ने ये हालात कर रखे हैं, तो मुख्य मुद्दे यही रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो पार्टी के सुप्रीमो जो बार बार हर मंच से ये घोषणा करते हैं, उनकी डिमांड है टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, बेरोजगारों को भत्ता मिले, नवयुवकों को रोजगार मिले, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आएंगे। आपके सामने कांग्रेस के बड़े लीडर नरेंद्र मिर्धा हैं, कहाँ देखते हैं आप उनको? देखिए, इसके बारे में जैसे आपने बड़े लीडर कहा, इसके बारे में मेरी अलग राय है। बड़े घर में पैदा होने से लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जिसके पीछे जनमानस होता है। क्योंकि हमारा एक ही सोच, हमारी हमेशा एक सोच रही है, मेरे पिताजी भी विधायक रहे लंबे समय तक, इस क्षेत्र का जो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद हमारे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल लंबे समय तक MLA रहे, अब लोगों ने बड़े प्यार प्रेम और आशीर्वाद देकर उनको संसद में पहुँचाया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। और हमारा एक ही मकसद और हमारी यही सोच है कि नेतृत्व जो है वो लोगों को राह दिखाना है, हुकूमत करना नहीं। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार बन के आए, जो 18 साल के बाद उनको वापस खींवसर की याद आई है, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है कि वो मिर्जा परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा कभी उन्होंने सड़कों में संघर्ष किया, ने आम लोगों को उन्होंने जागृत किया। और बाकी आप को जब चुनाव में जब ये लोगों के सामने जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये हमारे साथ थे वेस्ट इंडिया के लिए आरएलपी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल। 30 तारीख को नामांकन बनने की बात कह रहे हैं, आने वाले वक्त में
क्यों सर मैं घमासान हूँ तय फर्स्ट इंडिया के लिए नागौर से यूनुस के साथ एक और चैनल के लिए ओ एक और एक रुको।